इस समय सुलह विधानसभा क्षेत्र में ये रोड शो निकाला जा रहा है विपिन परमार की ओर से, जो कि नॉमिनेशन अभी फाइल करके आए हैं। सर, इस समय क्योंकि ये कई किलोमीटर लंबा रोड शो आपका है, क्या कहें, जीत से पहले का ट्रेलर ये है इस समय? मैं यही कह सकता हूं कि हजारों लोगों ने आज नामांकन वाले दिन भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और मैं यहां से प्रत्याशी हूं तो मुझे भी इन्होंने अपना शुभाशीष दिया है। ये लोगों का, जनता का मेहनत है और कार्यकर्ताओं की दिन रात की कमाई है। मैं सभी का धन्यवाद इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि 13 अक्टूबर से पहले मेरा रोल कुछ और था, पर आज के रोल मैंने जनता से शुभाशीष लेने के लिए जब निकला हूं, बहुत आशीर्वाद, बड़ों का प्यार मुझे मिल रहा है। लोग राज नहीं रिवाज बदलने वाले हैं और सुलह में भी रिवाज बदलेगा। हिमाचल में कमल के फूल की सरकार 8 दिसंबर के बाद बनने वाली है। अच्छा, आप कह रहे रिवाज बदलेगा, जो ताज बदलने की बात कहते हैं उनके लिए क्या संदेश आज है? ऐसा है कि कुछ लोगों के पास कुछ भी मुद्दे नहीं हैं, वो मैं ये कह सकता हूँ कि वो समय के अनुसार चुनावों के दिनों में दिखते हैं, वो मौसमी हैं और जो मौसमी है उनका मौसम पर अब मौसम बड़ा कम है 20 दिनों का। और भाजपा सनातनी विचार सदाबहार, हम जब सरकार में थे तभी लोगों के दिलों के नज़दीक थे और आज हैं तो लोगों के दिल ये कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, इसलिए ये जन सैलाब उसी का सूचक है, ये कहना चाहता हूँ। ये जो जन सैलाब नजर आ रहा है, इतनी भीड़ आपके साथ इस समय चल रही है, ये वोट बैंक में बदलेगा, वोटों में बदलेगा? ऐसा है कि यहाँ पर हमने किसी को भी मजबूरी में नहीं बुलाया है, जो आया है वो अपने मन से आए हैं और मजबूरी में मन साथ नहीं होता, पर यहाँ पर जो आए हैं वहाँ पर मजबूरी नहीं अपना समझ करके आए हैं, इसलिए जो उत्साह बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि भाजपा की सरकार पुनः हिमाचल में आएगी और सुलह में भी कमल का फूल खिलेगा। सुलह में भी कमल का फूल खिलेगा, बहुत शुभकामनाएं सर आपको। और इस समय मैं चाहूंगी एक बार जो मेरे कैमरा पर्सन है जीत, वो दिखाए घुमाकर कि किस तरह से, देखिए ये पूरी रैली है यहाँ पर जो निकाली जा रही है सुलह विधानसभा क्षेत्र के भीतर, और पूछे पीछे भी इस समय गाड़ियों की कतारें हैं जो जहाँ मंदिर में दर्शन किया और उसके बाद में जनसभा हुई वहीं से साथ साथ ये पूरा काफिला चल रहा है। कहाँ तक पहुँचेगा सर ये काफिला? ये काफिला जो है ये अभी नोरा, पुड़भा, बलोटा, नागणी, ड्रो, बभारना और मन सिंबल के विनीत पैलेस में ये काफिला, ये रोड शो समाप्त होगा और वहाँ पर फिर जश्न होगा। जश्न यानी बैंड बाजा, नाच गाना होगा और वहाँ पर फिर अगली रणनीति बनाएंगे और हर पोलिंग बूथ पर हम कार्यकर्ता जन जन तक पहुँचाएंगे अपने विकास के मुद्दे को, ये कहना चाहता हूँ। जश्न जीत का जश्न होगा या उसके लिए इंतजार 8 तक का करेंगे? ऐसा लग रहा है कि जीत से पहले जो जश्न होना चाहिए वो मुझे आज दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो जीत से पहले का जश्न है जो यहाँ पर नजर आ रहा है, जाहिर तौर पर इस समय उत्साह में भरे हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आपके साथ जो चल रहे हैं सर वो इस समय नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन जीत के साथ अवंतिका यादव, खबरें अभी तक।